तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। सबसे पहले तो मिस्टर क्लाइमेक्स की तरफ से आपको, आपकी फैमिली को एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अब कल के दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज कल के दिन मैं थोड़ा सा बिजी था। अब ईद थी तो बिजी था, बट मैंने सोचा चलो यार ईद मुबारक आज ही कर लेते। अभी देखो यार, मैंने आपको बोला था, मिस्टर क्लाइमेक्स ने आपको पहले ही बोला था, ईद आएगी तो KGF चैप्टर 2 धमाकेदार कलेक्शन करेगी। एंड आपको पता ही है भाई, मतलब सीधा डबल कलेक्शन हो गया उसका। बताते कितना हुआ है। अभी देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को है ना डबल खुशी मिल रही है। अभी खुशी भी मिल रही है मेरे को, दुख भी हो रहा है। आप पूछो कि भाई खुशी चीज किस चीज की मिल रही है, तो मेरे को खुशी इस चीज की मिल रही है। चलो सबसे पहले आपको मैं खुशी वाली बात बताऊं या दुख वाली बात बताऊं, चलो खुशी वाली बात बताते। सबसे पहले अगर मेरे को खुशी किसी चीज की मिली, तो फाइनली भाई बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि सलमान भाई ने ईद पे हमको चूतिया नहीं बनाया। सॉरी मजाक कर रहा हूं, मतलब ऐसा होता है ना, अभी सलमान भाई की ईद पे कोई मूवी आती है तो भाई मतलब यार आप देखो ना, मतलब मजा नहीं आता यार। ऐसा लगता है कि भाई ईद की मां भी ने कर दी सलमान भाई की मूवी देखने के बाद। बट अगर मैं दुखी वाली बात बता, तो दुखी वाली बात भी सलमान भाई की वजह से। अभी देखो यार, सलमान भाई को ईद पे देखने की आदत सी हो गई है। अब सलमान भाई को ईद पे देखे बिना इतने मजा नहीं आता यार, तो सलमान भाई को अपन ने मिस भी किया है सीरियसली। जैसी भी मूवी आती है सलमान भाई की, बट सलमान भाई ईद पे आते रहा तो मजा तो आता है। बट कोई बात नहीं, अगले साल सलमान भाई फिर से आएंगे ईदी लेने के लिए। एंड मेरे को Tiger 3 से बहुत ज्यादा उम्मीद है। एंड फाइनली Tiger 3 जब आएगी अगले साल ईद पे, तो भाई आई होप कि वो उसको अपन सपोर्ट करेंगे। एंड टाइगर आई मीन सलमान भाई, हमने जो उम्मीदें लगाई है Tiger 3 से, उस पे खरे उतरेंगे। देखो आई एम नॉट अ सलमान खान हेटर, बट एक बात तो है कि भाई सलमान भाई की जो ईद पे मूवी आती है ना, वो इतनी ज्यादा खास होती नहीं है। ऐसा ही लगता है कि भाई ईद के नाम पे चूतिया बना रहे। बट कोई कोई मूवी अच्छी भी होती है। एंड आई होप Tiger 3 एक जबरदस्त मूवी साबित होगी। हमको मजेदार, मतलब वो बोलते ना, ये ईद पे भले सलमान भाई नहीं आए, अगले ईद पे डबल मजा देंगे एंड डबल डोज देंगे अपन को। चलो अपन 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 अपने टॉपिक पे आते, अपना आते KGF चैप्टर 2 पे। अच्छा KGF चैप्टर 2, अब KGF चैप्टर 2 कब रिलीज हुई थी? 20-22 दिन हो गए ना। एंड उसके बाद Runway 34 कब रिलीज हुई है? बहुत कम टाइम हुआ है ना, मतलब ईद के 3-4 दिन पहले। हीरोपंती 2 कब रिलीज हुई? ईद के 3-4 दिन पहले। तो अगर अपन देखने जाए तो भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई हीरोपंती 2 का कलेक्शन ज्यादा आना चाहिए, Runway 34 का कलेक्शन आना चाहिए। बट ऐसी मूवी का कलेक्शन ज्यादा आ रहा है जो कि 20-25 दिन पहले रिलीज हुई थी, उसका नेम है KGF चैप्टर 2। अभी देखो एक बात बोलता हूं मैं, KGF चैप्टर 2 का कलेक्शन आया ईद के दिन का, वो 9 करोड़ आया है, 9 करोड़ से भी ज्यादा। एंड वहां पर अगर बात करें हम Runway 34 के, Runway 34 का कलेक्शन आया 4 करोड़, एंड उसका आधा कर दे आई मीन 2 करोड़ आया है हीरोपंती 2 का। मतलब टाइगर श्रॉफ डब्बे में ईद के दिन आपकी मूवी कलेक्शन कर रही है 2 करोड़ का। उसके बाद Runway 34 4 करोड़, एंड भाई बात करें KGF चैप्टर 2 9 करोड़। एंड भाई मैं कोई भी शौक नहीं होगा आने वाले टाइम में KGF चैप्टर 2 डबल डिजिट मारे, आई मीन 10 करोड़, 12 करोड़ या फिर 14 करोड़ तक भी जा सकता है KGF चैप्टर 2। बिकॉज अभी जो संडे आएगा, आज का दिन ले लो, बिकॉज आज के दिन भी ले लो, मतलब पब्लिक KGF चैप्टर 2 के लिए फुल पागल होने वाली है। एंड KGF चैप्टर 2 ऐसे कलेक्शन करती रहेगी। भाई देखो एक ही बात है ना यार, पब्लिक को अच्छी चीज दोगे, पब्लिक को ऐसी चीज दोगे जो वो देखना चाहती है, पब्लिक के जो उम्मीद होती है, उनका जो एक्साइटमेंट होता है, उसको आप सही से रखोगे, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरोगे ना, तो भाई पब्लिक आपको सपोर्ट करती है। पुष्पा को किया था आप लोग देखो, KGF चैप्टर 2 को कर रहे हैं, RRR को किया, अब राधेश्याम को लो, राधेश्याम को लोगों को समझ ही नहीं आई, इतनी चूतिया मूवी थी, तो राधेश्याम को पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया उस लेवल का। बट अगर राधेश्याम की मूवी अच्छी होती, पब्लिक उसको भी सपोर्ट करती थी। भाई आप अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छी स्टोरी बनाओ, पब्लिक को चूतिया मत बनाओ, तो पब्लिक आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी है। अभी हीरोपंती 2 देख लो, मतलब डब्बे में चले गई। अभी वो मूवी 3-4 दिन पहले रिलीज हुई थी ईद के, अगर वो मूवी डेफिनेटली अगर अच्छी होती, पब्लिक उसको मतलब पसंद करती, तो ये मूवी हो सकता है ईद के दिन भाई डबल डिजिट में कलेक्शन करती थी, एंड ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करके जाती थी। बट आपकी मूवी में ना ही स्टोरी है, ना ही लॉजिक है, ना ही कोई स्क्रिप्ट अच्छी है, आप सिर्फ टाइगर श्रॉफ के नाम पे सलमान भाई की तरह लोगों को चूतिया बनाने के लिए आओगे, तो भाई सॉरी टू से पब्लिक आपका ऐसी चूतिया काटेगी। इससे अच्छा है तो भाई आप KGF चैप्टर 2 3-4 बार देख के लिए आ जाओ, मेरी तरह मैं फिर से जा रहा हूँ KGF चैप्टर 2 देखने के लिए। तो भाई सिर्फ यही भाई बोलना चाहता हूँ कि भाई प्लीज अच्छी चीज बनाओ, एक ऐसी चीज बनाओ कि पब्लिक का पैसा वसूलो, तो भाई वो मूवी आप 2-3-4 बार 5 बार भी पब्लिक देखने के लिए तैयार है, बिकॉज डाई हार्ट फैंस होते हैं। बट आज के टाइम पे चूतिया लोग ज्यादा बनाते, तो भाई आप पब्लिक आज के जमाने में तो स्मार्ट हो चुकी है भाई, आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई कुछ भी बनाओ पब्लिक उसको झेल लेगी एंड देख लेगी, ऐसा अब नहीं होता भाई। सलमान खान भी आएंगे अच्छी मूवी नहीं बनाएंगे तो वो भी नहीं चलेगी, शाहरुख खान की पठान आ रही है लोगों को पसंद नहीं आई तो नहीं चलेगी, उनको भाई चाहिए अच्छी चीज बनाओ। अगर अच्छी चीज बनाओगे तो भाई कश्मीर फाइल्स देखो कितना धमाका की है। अभी Runway 34 अच्छी है, बट उसके सामने इतना खतरनाक एक तूफान खड़ा है ना नेम ऑफ KGF चैप्टर 2, उसकी वजह से लॉस हो रहा है भाई वहां पर Runway 34 को। बिकॉज भाई KGF चैप्टर 2 एक ऐसी मूवी है जिसको पब्लिक देखना पसंद करी है, तो थिएटर के जो ओनर्स है भाई वो भी KGF चैप्टर 2 लगा रहे, अब उनको भी तो कमाना है ना यार, अब ऐसी मूवी को लगा के क्या करेंगे जिसका कोई क्रेज ही नहीं है, तो KGF चैप्टर 2 डेफिनेटली चलेगी। अभी KGF चैप्टर 2 का कलेक्शन आ गया 9 करोड़, उसके बाद यहाँ पर Runway 34 का 4 करोड़, एंड भाई 2 करोड़ हीरोपंती 2 का, तो हीरोपंती 2 तो अब डब्बे में ही है, इसको फ्लॉप का टैग दे दो। बात करें Runway 34
34 की, रनवे 34 का भी बजट अच्छा खासा था यार, 100 करोड़ से भी ज्यादा बता रहे थे, या फिर 100 करोड़ से कम था या 100 करोड़ से ज्यादा था, मतलब 100 करोड़ तो है ही, तो भाई वो भी अपने बजट तक भी नहीं पहुंचने वाली, तो इसको भी फ्लॉप ही बोला जाएगा। एंड केजीएफ चैप्टर 2 1100 करोड़ से ज्यादा हो गए भाई, कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है भाई इसका, तो भाई आप सोचो यार। एंड यही क्रेज मेरे को लगता है पुष्पा द रूल भी लेके आएगी, बिकॉज पुष्पा द रूल के पुष्पा के मेकर्स की भी आंखें खुल गई है, हमारे पास भी सेकंड पार्ट है, हमारे पास भी अल्लू अर्जुन है, अगर लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर गए तो पब्लिक इससे ज्यादा सपोर्ट कर सकती है मुझे लगता है। केजीएफ चैप्टर 2 से ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है पुष्पा द रूल को, वो कैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड एक बार फिर से मिस्टर क्लाइमेक्स की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बाय बाय।